गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने आउफ बाउस प्रिंसिपल कंप्लीट किया था एंड बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। बराबर, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। एंड देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज एन प्लस एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमने सीखा था, उसके ऊपर से कंप्लीट। आज हमने दूसरा टॉपिक जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हमें सबसेल एंड क्वांटम नंबर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। ओके, तो रूल इज़ वेरी सिंपल, प्रिंसिपल इज़ वेरी सिंपल। टू नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। दैट मीन्स दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो तो उसके फोर क्वांटम नंबर सेम होने चाहिए? नहीं। बराबर, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज टू एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगुरेशन इज 1s2। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगुरेशन इज 1s2 अकॉर्डिंग टू आउफ बाउस प्रिंसिपल। सो हीलियम हैज़ टू इलेक्ट्रॉन, हीलियम हैज़ टू इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, उसके लिए क्वांटम नंबर्स। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0 बिकॉज ऑर्बिटल इज s, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml इज ऑल्सो 0। ओके, वो तो फिक्स्ड होता है L एंड ML, तो ऑर्बिटल के लिए चेंज क्या होगा? जनरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए, एंड स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो सकता है। चलो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी N इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, L इज इक्वल टू 0 एंड ML वो भी 0 हो जाएगा। तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम है, एंड जो रूल है हमारा वो क्या है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो 1s के अंदर रहे 2 इलेक्ट्रॉन के तीनों क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम आए, दैट मीन्स फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। तो फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। सो एक के अंदर हम लोग बताएंगे कि अप स्पिन है, दैट मीन्स वैल्यू इज +1/2, एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? डाउन स्पिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी? -1/2। और वो ही एक्सप्लेन किया है उसको थोड़ा सा कि नो ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन सब ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, तो अपोजिट स्पिन ही हो गई। बराबर, तो एग्जांपल बहुत ही सिंपल है जो आपको समझाया। दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, चलो कि कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2, 2s2, 2p2। तो 2s में रहे इलेक्ट्रॉन के लिए एंड 2p में रहे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स देख लेते हैं। तो 2s के लिए n इज इक्वल टू 2 होगा, l इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 होगा, l इज इक्वल टू 1 होगा, तो चेंज आ गया। दैट मीन्स वो तो सेम होने वाला ही नहीं है, एक डिफरेंट आ गया। बराबर, और एक चीज़ खास ये यहाँ पे आपको समझनी है, ओनली टू
इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिस्ट इन अ सेम सब ऑर्बिटल्स, जो हम लोग लास्ट टाइम आओ बाओ प्रिंसिपल के अंदर देख चुके हैं कि एस के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, पी के अंदर सिक्स, बट कैसे, तो तीन सब ऑर्बिटल्स है पी एक्स पी वाई पी जेड, सबके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10, तो उसके पांच सब ऑर्बिटल है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, तो उसके अंदर भी हर एक के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 × 10 एंड एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन वैसे ही बराबर। तो बेसिक इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर हम लोग सब सेल ले रहे हैं, सब ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो हर एक सब ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एंड उन दोनों का स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा, दोनों का स्पिन एक दूसरे से अपोजिट होगा बराबर। तो बेसिकली ये जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी था, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज होंड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। होंड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये फाइनल प्रिंसिपल है एंड इसकी मदद से हम लोग कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। पैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू दैट सेम सब ऑर्बिटल बराबर डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सब ऑर्बिटल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच और इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। ओके, एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर इज 6, 1s2, 2s2, 2p2। चलो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को स्पिन की मदद से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे बराबर। चलो p के अंदर कितने, 3 सब ऑर्बिटल हैं, ये 1s ऑर्बिटल के लिए, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। ओके, चलो तो एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, सिंगली ऑक्यूपाइड हो गया सब ऑर्बिटल, तो एक ही है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो भी फिल हो जाएगा जब सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए सभी सब ऑर्बिटल्स। अब एक अप स्पिन से फिल किया है तो दूसरा कंपलसरी डाउन स्पिन से करना होगा, क्योंकि पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कह रहा है कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिस्ट इन अ सेम सब ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, दिस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। चलो 2s में भी सेम, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन। चलो अब 2p ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन 2px में जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं सभी स्टूडेंट्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2px में नहीं जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2py में, बिकॉज होंड्स रूल सेज दैट पैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सब ऑर्बिटल्स, तो ये हमारा 2p ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल्स 2px, 2py, 2pz डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सब ऑर्बिटल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन, मतलब सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगा, तब तक पेयरिंग शुरू होगा नहीं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 2py में जाएगा, याद रखना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि अगर दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो फर्स्ट 2px देन सेकंड 2py में। चलो नेक्स्ट ले रहे हैं नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन इज 1s2, 2s2, 2p3। ओके, चलो इसको दिखाते हैं, 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, सो 1s, 2s, 2px,
टू पी वाई, टू पी जेड। चलो 1s में दो इलेक्ट्रॉन एक अप स्पिन डाउन स्पिन, 2s में दो इलेक्ट्रॉन एक अप स्पिन डाउन स्पिन। चलो 2px उसके अंदर तीन है, 2px 2py 2pz। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 2px में जाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन 2py एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन 2pz में जाएगा। ओके चलो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का, इससे आपको फाइनली समझ में आ जाएगा। 1s2 2s2 2p4। वन एस टू एस टू पी एक्स टू पी वाई एंड टू पी जेड। चलो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s2 एक अप स्पिन डाउन स्पिन 2s2 2p4, दैट मीन्स फोर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 2p ऑर्बिटल में। देर आर थ्री सब ऑर्बिटल्स, तो सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगा। तो 2px 2py 2pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो डाउन स्पिन से आएगा। और कहाँ पे आएगा? 2px में आएगा। क्यों डाउन स्पिन से? क्यों? क्योंकि ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए एक ही सब ऑर्बिटल के अंदर। तो तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तभी पेयरिंग शुरू होगा, वो है हमारा हंड्स रूल। बराबर, बहुत ही सिंपल रूल है, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हमें कंप्लीट अब पता चल गया है कि सब ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्ड होंगे। पहले तो सिंपल आउफ बाउ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा था, सिर्फ ऑर्बिटल्स की, कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से। फिर पॉली ने हमें ये एक्सप्लेन किया कि सब ऑर्बिटल्स के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और उसके अंदर भी क्या होना चाहिए कि दोनों स्पिन एक दूसरे से अपोजिट होनी चाहिए। एंड लास्ट यहाँ पे कि हुंड्स रूल जो हमने दिखाया, तो हुंड्स रूल में क्या हुआ कि पैरिंग कब होगा, क्योंकि सब ऑर्बिटल्स के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं चले जाएंगे, तो सभी सब ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद पैरिंग शुरू होगा। ये क्या है? हमारा हुंड्स रूल। ओके तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। होमवर्क में आपको अगेन 1 to 20 एलिमेंट्स हैं, वो लिखने हैं, बट कैसे? इस तरीके से। ओके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नीचे सब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं स्पिन के अकॉर्डिंग, वो आपको लिखना है होमवर्क में। बराबर, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का, वो कंप्लीट करेंगे एंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।